सूरज टैग बीसी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को दबा दीजिए और काले बटन को नीला कर दीजिए ताकि इंटरनेट से जुड़ी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। हेलो फ्रेंड, नमस्कार, मेरा नाम है सूरज और आप देख रहे हैं सूरज टैग बीसी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो से आप काफी कुछ सीखने वाले हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ विशिंग स्क्रिप्ट कैसे बनाई जाती है। दोस्तों, आज मैं विशिंग स्क्रिप्ट को HTML के थ्रू आपको सिखाऊंगा कि कैसे बनाई जाती है। आज तक ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिली होगी। HTML के थ्रू से वेबसाइट कैसे बनाई जाती है और आपको कुछ कोडिंग आना जरूरी है। अगर आप कोडिंग के बारे में नहीं जानते हो तो मैं आपको वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, आप इससे थोड़ी बहुत कोडिंग आप सीख जाओगे। तो चलिए, एक छोटा सा प्रोजेक्ट है उसे स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। अभी मैं वेब सर्वर पर काम करने वाला हूँ दोस्तों, और मेरे पास एक Notepad++ है जो एडिटर यूज़ करते हैं। इसे मैं एडवांस यूज नहीं कर रहा हूँ, अभी आपको दिखाने के लिए सिंपल सा Notepad++ यूज़ कर रहा हूँ। तो अभी मैं अपना वेब सर्वर पे अभी करके दिखाऊंगा, ऑनलाइन सर्वर पे नहीं। बाद में ये स्क्रिप्ट बन जाएगी तो इसे ऑनलाइन सर्वर पे कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो अभी मैं अपना वेब सर्वर का फोल्डर खोल चुका हूँ और इसमें www पे जाता हूँ और यहाँ पे न्यू लिखा हुआ है, पहले से मैंने स्क्रिप्ट बनाई थी। अब एक नया फोल्डर मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, जैसे कि चलिए आप इससे, आप अगर आपका कोई भी फेस्टिवल आता है आप उसमें बना सकते हो। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक फोल्डर का नाम, चलिए विश, WISH विश मैंने फोल्डर का नाम यहाँ पे रख दिया हूँ। और ये फोल्डर मैंने ओपन किया, इस फोल्डर के अंदर मुझे एक और फोल्डर बना लेता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे CSS का फोल्डर बना लेता हूँ, CSS, ठीक है फ्रेंड। और एक फोल्डर बना लेता हूँ जो मुझे ज़रूरी होगा, इमेज का, IMAGE इमेज का भी फोल्डर मैं यहाँ पे बना लिया हूँ। और कुछ अभी बनाऊंगा, उसके बाद अब बात आती है एडिटिंग के ऊपर। तो मैं अभी अपना Notepad++ खोल लेता हूँ। Notepad++ खुल चुका है दोस्तों। अब यहाँ पे मुझे तो बेसिक यहाँ पे कोडिंग यहाँ पे लिखना होगा, बेसिक कोडिंग मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं दोस्तों बेसिक कोडिंग लिख लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने HTML दो बार लिख दिया हूँ, और ये जैसे कि आपको पता होगा HTML जहाँ से खुलता है और HTML को ऑफ भी किया जाता है, तो ये वाला सिंबल मैंने डाल दिया क्योंकि ये HTML यहाँ पे क्लोज हो चुका है। अब ये बीच में आती है इसका HTML के बाद, इसको थोड़ा बड़ी कर लेता हूँ मैं। दोस्तों HTML क्लोज करने के बाद एक बीच में मैं यहाँ पे और हेड डाल देता हूँ, हेड और हेड क्लोज, हेड क्लोज। तो मैंने यहाँ पे हेड और हेड क्लोज भी कर दिया हूँ, और इसको भी मैं बैक जाता हूँ, नीचे कर देता हूँ, ये HTML और ये हेड। और हेड के बाद जो होता है वो होता है बॉडी का, तो मैं यहाँ पे बॉडी भी लिख लेता हूँ अभी, और बॉडी क्लोज भी करना होता है तो बॉडी क्लोज भी मैं यहाँ पे कर देता हूँ अभी। तो दोस्तों बॉडी क्लोज भी मैं कर दिया हूँ, और ये देखिए ये रहा, ये सिंपल है, ये आपको हर में करना पड़ता है आपको, और ये सिंपल सा एक कोडिंग है, ये आपको करना होता है। इसे मैं अभी कर लेता हूँ सेव, Ctrl+S दबाता हूँ, इस पर सेव हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे मुझे करना है इसे सेव एज, तो ये हम कर लेते हैं अभी सेव एज। ये पूछ रहा है कहाँ मुझे सेव एज करना है, तो मैं अपना फोल्डर चुन लेता हूँ और मैं यहाँ पे सी ड्राइव में करने वाला हूँ सेव, यहाँ वैम्प WW और विश के अंदर। और यहाँ पे ध्यान दे दोस्तों, यहाँ पे आपको इंडेक्स INDEX index.php यहाँ पे ज़रूर होना, लिखा होना चाहिए, उसके बाद आप यहाँ पे सेव कर दीजिए। तो दोस्तों अभी सेव करने के बाद इसे आप काट दीजिए, जैसे मैं यहाँ पे पूरा काट देता हूँ इसे, ठीक है फ्रेंड। और ये भी मैं यहाँ पे काट दिया हूँ। अब देखेंगे यहाँ पे दो फोल्डर जो मैंने यहाँ बनाए थे, ये देखिए, जैसे ये विश फोल्डर है, इसके अंदर गया, या index.php का एक फोल्डर यहाँ पे बन चुका है, इसे मैं कर लेता हूँ यहाँ से एडिट। तो ये देखिए दोस्तों अभी हरा हरा हो गया पूरा, कि ये सब कुछ सही है। ये देखिए यहाँ बड़ी क्लोज होता है, ये HTML यहाँ पे क्लोज होता है। अब बात आती है यहाँ पे हेड जो लिखा हुआ है, हेड में मैंने यहाँ पे एक टाइटल देना है कि कौन सा ये टाइटल होगा, तो ये टाइटल यहाँ पे लिख देता हूँ। अभी दिखा देता हूँ वेबसाइट अभी किस तरह अभी दिखने वाली है। एक नया पेज यहाँ खोलता हूँ
और यहाँ पे लोकल होस्ट, लोकल होस्ट के बाद मैंने एक फोल्डर का नाम दिया था, फोल्डर का नाम था विश, WISH विश। तो यहाँ पे एंटर दबाता हूँ तो ये देखिए पूरा खाली है, और यहाँ पे देखिए हैप्पी दीपावली लिखा हुआ यहाँ पे आ चुका है। ठीक है फ्रेंड, तो ये फोल्डर मैंने यहाँ पूरा अभी खाली है, सिर्फ यहाँ पे टाइटल मैंने दिया है हैप्पी दीपावली के नाम से। अब चलिए इसका अब मेन कोडिंग करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे CSS अभी ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे LIN के लिंक, तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे style.css के नाम से यहाँ पे दे दिया हूँ, और ये लिंक यहाँ पे है CSS फोल्डर में, ये देखिए CSS फोल्डर में हो, सॉरी यहाँ, तो यहाँ पे CSS मैंने ऐड कर दिया हूँ, और करता हूँ कंट्रोल एस से सेव, और यहाँ पे देखेंगे कि अब भी एक फोल्डर में जाता हूँ अपना, तो ये फोल्डर में कोई भी CSS नहीं ना है, इसमें मुझे CSS डालना है, तो मैं अभी CSS इसमें डाल देता हूँ। तो दोस्तों मैं यहाँ पे एक CSS डाल देता हूँ, ये देखिए ये CSS का फोल्ड, ये CSS मैंने कोडिंग लिख के रखा है, CSS के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो अभी फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं, और ये CSS मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया हूँ, और ये कंट्रोल एस से मैंने सेव कर दिया। अब देखिए मेरा वेबसाइट अभी ओपन करेंगे तो अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसमें कुछ भी टाइप नहीं लिखा है, लेकिन CSS लगा चुका हूँ। अब यहाँ पर आता हूँ, तो दोस्तों CSS लगाने के बाद ये जो हेड आप देख रहे हो, हेड मेरा यहाँ नीचे तक आ रहा है, बॉडी के ऊपर तक आ रहा है दोस्तों। तो इस हेड को यहाँ से मैंने यहाँ से कंट्रोल एक्स दबाता हूँ, ये कट हो गया, और ये CSS है ना, CSS का फोल्डर, ये जो हेड है, हेड मुझे यहीं तक रहना चाहिए, यानी कि इसके नीचे ही तक मेरा ख़त्म हो जाना चाहिए। अभी जो आगे लगाएंगे इसके अंदर लगा सकते हैं, ये हेड मेरा यहाँ तक क्लोज हो गया है दोस्तों। तो अब इसे मैं करता हूँ कंट्रोल एस से सेव, और ये काम कर गया है CSS में। अब ये बॉडी जो देख रहे हो, अब मेन काम इसके बॉडी के अंदर ही होता है, जितने भी काम अभी होगा वो बॉडी के अंदर ही होगा। तो ये बॉडी है यहाँ पर दोस्तों, बॉडी को एक स्पेस देता हूँ, क्योंकि इसके अंदर ही सब काम होने वाला है। तो अब आप बात आती है इसमें एक बैकग्राउंड लगाने की, तो मैं इसमें एक बैकग्राउंड लगा लेता हूँ अभी, जैसे यहाँ पे डालता हूँ क्लास CLASS क्लास। ठीक है फ्रेंड, क्लास डालने के बाद एक बड़ी कोड लगा देते हैं, और ये कर देता हूँ ये सिंपल सा बंद, और ये जो देखते हैं कि आप यहाँ पे एक बैकग्राउंड का जो है यहाँ पर मैंने लगा दिया हूँ, एक क्लास मैंने लगा दिया हूँ। और क्लास लगाने के बाद अब यहाँ पर डालता हूँ स्टाइल, स्टाइल उसके बाद ये, और बैकग्राउंड बी। तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर के बजाय यहाँ पे मैं एक इमेज का यूज करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे इमेज कोडिंग रखा हूँ, और एक इमेज का जो है जिप फाइल में गिफ फॉर्मेट में है दोस्तों, इसीलिए कि यहाँ पे गिफ फॉर्मेट में मेरा इमेज बैकग्राउंड में शो करे। और यहाँ बैकग्राउंड मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया हूँ, तो बैकग्राउंड का कोडिंग मैंने यहाँ पे डाल दिया हूँ, और ये जो इससे मैं रिमूव कर देता हूँ, ये देखिए अब ये बैकग्राउंड का कोडिंग अभी सही हो चुका है। इसे मैं कंट्रोल एस से सेव करता हूँ, अब देखता हूँ कि मेरा जो, अब देखिए दोस्तों कि ये जो इमेज था यहाँ पर पूरा तरह से लग चुका है। आप चाहते हैं ये इमेज के बदले कुछ और हो तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो आसानी से, इस जगह इमेज आप चेंज कर सकते हो। तो अभी के लिए ये तो मेरा परफेक्ट लग रहा है, तो ये भी बहुत बेटर है, तो आप इसे रख सकते हो। तो अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अभी उसमें क्या क्या करना है, अभी मेन काम अभी बाकी है दोस्तों। अभी तो सिर्फ मैंने यहाँ पे, तो अभी तो दोस्तों मैंने सिर्फ इसमें इमेज लगाई है, बैकग्राउंड लगाई है, इसमें आप बैकग्राउंड कलर भी कर सकते हो। तो चलिए मैं बैकग्राउंड कलर आपको करके दिखाता हूँ इसमें, कि इसमें बैकग्राउंड कलर कैसे लगाते हैं। तो बैकग्राउंड कोडिंग वहाँ पर चेंजिंग करनी होगी, तो मैं यहाँ पर बैकग्राउंड का, तो यहाँ पर बैकग्राउंड का कोडिंग यहाँ पर चेंजिंग कर लेता हूँ अभी। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे आ गया हूँ, स्टाइल को यहाँ से अभी हटा के अभी बैकग्राउंड का कलर यहाँ पे डाल दूंगा। ये देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड मैंने यहाँ पे 2-3 बैकग्राउंड रखा है। अगर आपको बैकग्राउंड कलर आपको पता नहीं चले आपको बैकग्राउंड कलर कहाँ से लेनी है, तो एक वेबसाइट है, मैंने लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिससे कि यहाँ पर एक वेबसाइट है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे कोडिंग दिया हुआ है बैकग्राउंड कलर का। आप यहाँ से जो भी कलर आपको पसंद है वो यहाँ से आप फिल कर सकते, यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो, जैसे कि मेरा ये बैकग्राउंड कलर ये वाला पसंद है, यहाँ से आप कॉपी करके और यहाँ पे आके अपना कोडिंग के थ्रू यहाँ पे आप चेंजिंग कर दो, तो वो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर उस तरह से लग जाएगा। अभी मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, अब देखिए मेरा वेबसाइट कुछ किस तरह देखने वाली है।
यहाँ आ गया और यहाँ से लोड करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, अभी बैकग्राउंड एक कुछ सिंपल सा बैकग्राउंड हो चुका है। तो पहले वाला बैकग्राउंड अच्छा था दोस्तों, तो मैं पहले वाला ही बैकग्राउंड रहने देता हूँ ये वाली, और कंट्रोल एस। और ये देखिए अभी वेबसाइट कुछ इस तरह से दिखने वाला है, तो ये देखिए अभी बेटर है। तो अब यहाँ पे मेन काम स्टार्ट होता है। तो और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ div, ठीक है फ्रेंड, और सॉरी div, और ये div को क्लोज भी करना है, div, और ये रहा। इससे मैं करता हूँ थोड़ा सा नीचे, क्योंकि नीचे आ जाए तो अधिक मेरा काम बने। और ये div के बीच में स्पेस देके क्लास clls क्लास, और इसे बंद करना है। और हाँ, उसके बाद शिफ्ट के साथ main main, ये मैंने मेन बॉडी का भी काम स्टार्ट होने वाला है। मैंने मेन बॉडी का कोडिंग यहाँ पे लिख दिया हूँ। अब यहाँ पे बात आती है, इसके अंदर फिंगोर ऐड करना है अभी, FINGOR फिंगोर। ये फिंगोर को यहाँ पे लेना है, और ये फिंगोर को नीचे जाते हैं और फिंगोर क्लोज भी करना होता है। ये देखिए मैंने फिंगोर को क्लोज कर दिया। ये क्या काम हो रही है मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। और इसे कंट्रोल एस, और ये देखिए यहाँ जो अभी एक नेम आता है, जो नेम स्क्रॉल करती है वो घूमती है, वही नेम मैं यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ, उसका कोडिंग यहाँ पे करने वाला हूँ। तो अभी के लिए मैं बैक जाता हूँ अभी, तो चलिए उसका कोडिंग देख लेते हैं किस तरह उसकी कोडिंग करनी है। तो अभी मैं इसका क्लास ऐड कर देता हूँ। ये क्या चीज़ है, ये क्लास जो है मैसेज है, वो मैसेज ऐड होना चाहिए। ये भी मैंने यहाँ पर दिया, और ये नीचे आके इस डीएबी को क्लोज भी करना होता है। चलिए मैं इसे क्लोज कर लेता हूँ, ये डीएबी क्लोज हो गया। और ये मैसेज के जो बीच में है, मैं थोड़ा स्पेस डाल देता हूँ अभी, ये नीचे चले गया। अब इसके अंदर एक H1 और लेना है, जैसे कि H1 मैंने यहाँ पे ले लिया, और H1 को क्लोज, H1 क्लोज। अब इसके अंदर मेन काम होगा जो वहाँ पे दिखाई दे, और यहाँ पे मैं कोडिंग डाल देता हूँ, सेम कोडिंग है वो PHP वाली, वो PHP यहाँ डाला, इफ यानी कि जो है, और ये इको यानी कि जो दिखाई दे, योर नेम यानी कि आपका जो नाम यहाँ पे, अगर कोई नाम नहीं डालेगा तो उसके बदले यहाँ पे योर नेम दिखा हुआ आपको दिखाई दे। तो यहाँ पे n के बराबर योर नेम जो डालेगा कोई भी, तो वो यहाँ पे शो करेगा, ठीक है फ्रेंड। इसे मैं कर देता हूँ 2-3, यानी कि थोड़ा मोटा दिखाई दे, इसलिए वो डबल हो। तो ये जो H1 है, इसको यहाँ से आप कॉपी कर लो Ctrl+C से, इसके नीचे मैं यहाँ पे दे देता हूँ Ctrl+V, फिर स्पेस Ctrl+V, स्पेस Ctrl+V, स्पेस Ctrl+V, यानी कि कई बार हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5 बार यहाँ पे मैंने कॉपी कर दिया उसे। ये अब इसका काम यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। अब बढ़ते हैं आगे, जो यहाँ पे टेक्स्ट लिखना होता है और वो जो नाम शो करता है वो डालना। स्पेस यहाँ पे दिया हुआ, मैं इसे थोड़ा कम कर लेता हूँ, और ये फिंगर को भी यहाँ से थोड़ा कम कर लेता हूँ। और ये देखिए यहाँ पे DAV लिखा हुआ, DAV यहाँ पे ये बंद है, यहाँ पे बॉडी जो बंद है दोस्तों, आपको यहीं पे आपको काम करना होगा। जैसे कि बॉडी के ऊपर यहाँ पे मैं एक स्पेस लेता हूँ, और यहाँ पे आपको देना है, जैसे कि वहाँ पर कोई टेक्स्ट लिखने का ऑप्शन आता है ना, वो वाला कोडिंग यहाँ पर डालना है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, ये लेता हूँ, और यहाँ फॉर्म, FORM फॉर्म, तो दोस्तों मैंने यहाँ पे एक फॉर्म लिखा मैटर। ये गेट जो है, ये मैंने गेट यहाँ पे क्यों डाला, क्योंकि यहाँ पे देखिए गेट यहाँ इको यानी कि इसके बदले यहाँ पे क्या दिखना चाहिए, है ना। और ये यहाँ पे एक्शन कहाँ पे होगा, index.php में। अगर आप चाहते हो डबल पेज वाला बनाना, तो यहाँ पे set.php या जो भी अलग पेज बनाएंगे वहाँ पे ये सेंड कर देगा। तो अभी मैं यहाँ पे index.php के अंदर ही होने वाला है। आगे के वीडियो में आपको बताऊँगा 2 पेज वाले कैसे बनाई जाती है। सेम उसी प्रकार कोई भी दिक्कत नहीं है, आसान है पूरा बनाना। और ये यहाँ से लेना है, इसे मैं स्पेस डालता हूँ,
ज़्यादा कोडिंग नहीं करते हुए मैं यहाँ पे कुछ कोडिंग रखा हूँ जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा और आप यहाँ से भी देख के आप लिख सकते हो। ये index.php में होगा और ये क्लास और ये सबमिट है, यहाँ टैग्स है जो सबमिट है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे गो लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे गो लिखा है, यहाँ पे बनाए लिख देंगे। एंटर योर नाम, यहाँ पे आप नाम एंटर करेंगे, ठीक है फ्रेंड। और ये मैं करता हूँ अभी Ctrl+S से सेव। अब देखता हूँ अपना वेबसाइट खोल के और ये देखिए ये यहाँ पे आ चुका है। अभी लोड करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे एंटर योर नाम, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे अपना नाम डाल देता हूँ, गो करता हूँ तो ये देखिए आ गया। ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो आप नाम देख रहे हो ये थोड़ा साइड में आ रहा है, इसे सेंटर करना है। तो ये चलिए अभी कर लेता हूँ अभी सेंटर इसको। और कहाँ तक ये फिंगर है ना, फिंगर, ये फिंगर तो यहाँ तक करना है मुझे सेंटर। तो इसके ऊपर ये मेन बॉडिंग में ले लेता हूँ सेंटर, CENTER सेंटर। और सेंटर क्लोज कहाँ पे होगा मेरा, वो पूरा का पूरा नाम ख़त्म होने के बाद यहाँ ख़त्म होगा। तो ये मैं सेंटर ले लेता हूँ, सेंटर क्लोज, सेंटर क्लोज, Ctrl+S करता हूँ। अब वेबसाइट खोलता हूँ, अब इसे लोड करता हूँ, ये देखिए सेंटर पे आ चुका है। अब ये इसके नीचे एक नाम भी आता है ना, वो कैसे होता है वो भी मैं दिखा देता हूँ, कौन सा एक नाम यहाँ पे आएगा, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। अब देखिए इसके नीचे यहाँ पे सेंटर मैंने क्लोज कर, नाम आया, नाम के थोड़ा नीचे मैं यहाँ पे देता हूँ। स्पेस देने के बाद ये मेरा जो है वो सेंटर पे होना चाहिए, CENTER सेंटर। और इससे सेंटर क्लोज, सेंटर क्लोज और div क्लोज, इससे स्पेस दे देता हूँ यहाँ पे, और जो ऊपर वाले जो मैंने कोडिंग किया था सेम उसी कोडिंग होगा लेकिन वह थोड़ा चेंज होगा। ये क्लास दे देता हूँ मैं यहाँ, और क्लास होगा बटन क्योंकि नीचे दिखेगा बटन। और यहाँ पे वही सेम कोडिंग आपको यहाँ पे डाल देनी, जो मैंने ऊपर किया था ये वाली कोडिंग, वो वाली कोडिंग यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे इसका काम बन चुका है, इसे मैं Ctrl+S से सेव। अब देखता हूँ अपना वेबसाइट खोल के, तो ये देखिए इसके ऊपर आ गया है ना दोस्तों, अच्छा नहीं लग रहा, ये तो नीचे होना चाहिए ना, तो वो भी यहाँ पर आप कर सकते हो। चलिए सेम कोडिंग पे आ जाना है, जैसे वो फिंगर वाला कहाँ था, ये वाला था फिंगर, यहाँ सेंटर था, ठीक है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसे, यहाँ पे मैं BR लगा देता हूँ क्योंकि एक स्पेस हो जाएगा। चलिए एक और BR लगा देता हूँ, स्पेस हो जाएगा। और इसमें भी यहाँ पे सेंटर से नीचे है तो यहाँ भी आप BR लगा सकते हो। तो अभी मैं यहाँ पे दो बार BR लगा दिया हूँ और एक और BR लगा देता हूँ। चलिए इसे भी कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, Ctrl+C Ctrl+V और Ctrl+S। तो यानी BR लगाने के बाद ये जो नीचे हो जाना चाहिए, तो ये देखिए नीचे हो गया है। और नीचे करना चाहते हैं और BR यहाँ पे लगाइए क्योंकि एक स्टेप नीचे हो जाता है वो। और यहाँ भी एक BR लगा देता हूँ मैं, BR क्योंकि ये इसके नीचे थोड़ा रहे ये वाली, इसीलिए Ctrl+S करता हूँ। अब यहाँ जाके रिलोड करता हूँ, ये परफेक्ट है। यहाँ पे नाम कुछ चेंज करता हूँ, तो ये देखिए नाम भी यहाँ पे चेंज हो रहा है। चलिए यहाँ कुछ और नाम लिखता हूँ, ये देखिए यहाँ पे नाम चेंज हो रहा है। तो आशा करता हूँ आपने फेस्टिवल बेसिंग स्क्रिप्ट बनाना सीख लिया होगा, थोड़ी सी भी समझ में आई होगी वीडियो को लाइक जरूर से कीजिए और आने वाली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।